गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ये क्लास 11th, आपका सब्जेक्ट जो है फिजिक्स, ठीक है। उस वक्त हमने डिस्कस किया था आपका पावर, आज हम देखते हैं इसमें कोल्यूशन, ठीक है। कोल्यूशन क्या होगा? जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के साथ स्ट्राइक करेगा, ठीक है। या आप लोग, ये जरूरी नहीं है कोलिजन में आप लोगों का जो फिजिकल कंटेक्ट है जरूरी नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोगों का जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के पाथ को भी चेंज करेगा तो हम कह सकते हैं कोलिजन। जैसे कि आप लोगों का रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में आप लोग कहते हैं कि आप वहां पर जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, वहां पर जो पार्टिकल का आप लोगों का जो है टक्कर नहीं होता है, बल्कि सिर्फ पार्टिकल क्या करता है, आपका जो है पाथ जो है चेंज करता है, तो उसको आप लोग कहेंगे कोलिजन, स्ट्राइक को कहेंगे, ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हैं कोलिजन is set between any two body, लिख सकते हैं, ठीक है। collision is set to be occur when they strike against each other कोल्यूजन बिटवीन एनी बॉडी, बिटवीन एनी टू बॉडी सेट टू ओकर व्हेन दे स्ट्राइक अगेंस्ट ईच अदर, ठीक है। और या आप लोग ऐसे भी लिख सकता है ना, वहां पर मैंने कहा कि स्ट्राइक होना या आप लोगों का फिजिकल कंटेक्ट जरूरी नहीं है, और पाथ ऑफ, और द पाथ ऑफ, ठीक है, वन बॉडी गेट चेंज इट और द पाथ ऑफ वन बॉडी गेट चेंजेस, ठीक है, बाय अदर बॉडी, ठीक है। कोल्यूजन इज सेड टू ओकर व्हेन दे स्ट्राइक अगेंस्ट ईच अदर, ठीक है। कोल्यूजन बिटवीन एनी टू बॉडी, लिखो आप लोग, ये सही रहेगा, बिटवीन एनी टू बॉडी इज सेड टू ओकर व्हेन दे स्ट्राइक अगेंस्ट ईच अदर, या आप लोग लिख सकते हैं एक का जो है पाथ दूसरे की वजह से इफेक्ट कर जाएगा तो हम उसको भी हम कोल्यूजन कहेंगे, ठीक है। फिजिकल कंटेक्ट जरूरी नहीं है आपके पास, ठीक है। तो हम देखते हैं टाइप्स कोल्यूजन आपका, यहाँ पर आप लोग डिस्कस करेंगे दो टाइप्स का, ठीक है। एक आप लोग नाम देंगे इलास्टिक कोल्यूजन, सेकेंड आप लोग डिस्कस करेंगे इन इलास्टिक कोल्यूजन, एक होगा आपका इलास्टिक कोल्यूजन, दूसरे आपका इन इलास्टिक कोल्यूजन। इलास्टिक कोल्यूजन मींस आप लोगों का जो है दो टाइप्स का कोल्यूजन है, एक होता है इलास्टिक कोल्यूजन, दूसरा होता है, ठीक है। इलास्टिक कोल्यूजन में आप लोगों का वो कोल्यूजन है जहां पर आप लोगों का काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहेगा बिफोर एंड आफ्टर कोल्यूजन, ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हैं इलास्टिक कोल्यूजन में कोल्यूजन वो कोल्यूजन है, ठीक है, इन विच काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, कोल्यूजन इन विच काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम इज कंजर्वड, बिफोर एंड आफ्टर कोल्यूजन, ठीक है। तो आप लोग डिस्कस करते हैं इलास्टिक कोल्यूजन, वो कोल्यूजन है जहां पर आपका काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व रहेगा बिफोर और आफ्टर कोल्यूजन। मींस आप लोगों का काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोल्यूजन जो होगा वो आप लोगों का कोल्यूजन के बाद भी वही काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, उसी तरह से मोमेंटम जो है मतलब जो है कोल्यूजन से पहले होगा वो आप लोगों का कोल्यूजन के बाद भी मिल जाएगा, कंजर्व रहेगा, तो इसको आप लोग क्या कहेंगे, इलास्टिक कोल्यूजन। इन इलास्टिक कोल्यूजन में आप लोगों का जो है मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा लेकिन आप लोगों का जो है काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहा है, ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हैं कोल्यूजन इन विच मोमेंटम इज कंजर्वड, वो कोल्यूजन जहां पर आपका मोमेंटम कंजर्व रहेगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगा,
बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्वड, बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्वड, ठीक है। वो मोमेंटम, वो कोलिजन जहां पर आप लोगों का जो है मोमेंटम जो है कंजर्व रहेगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगा, इसको आप लोग क्या कहेंगे, इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। इलास्टिक में अगर आप लोग एग्जांपल देना चाहो कि आप लोगों का जो है एटॉमिक पार्टिकल या सब एटॉमिक पार्टिकल के बीच में जो कोलिजन होता है उसको आप लोग क्या कहेंगे, इलास्टिक। जैसे कि रदरफोर्ड जो है स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में होता है वो आप लोगों के इलास्टिक। तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल अगर आप लोग देना चाहोगे, कोलिजन बिटवीन एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है, जो आप लोगों के केमिस्ट्री में होता है ना एटॉमिक पार्टिकल या सब एटॉमिक पार्टिकल, उन दोनों के बीच में जो कोलिजन होता है वो आप लोगों का क्या होगा, मतलब एटॉमिक या सब एटॉमिक पार्टिकल में जो आपका कोलिजन होगा वो आप लोगों का क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन को आप लोग परफेक्टली इलास्टिक भी कहता है, ठीक है, इसको आप लोग क्या कहेंगे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको आप लोग नाम दे सकते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो आप लोगों का जो है इलास्टिक कोलिजन को आप लोग परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन भी कह सकते हैं, ठीक है। इन इलास्टिक कोलिजन में आप लोगों का जो होगा एनर्जी लॉस होगा किसके फॉर्म में, हीट और साउंड के फॉर्म में। जो आप लोगों का जनरल कोलिजन होता है, जो आप लोगों का मतलब जो है व्हीकल कोलिजन होता है या आप लोगों का दूसरा कोलिजन होता है, वो आप लोगों का किस में आता है, इन इलास्टिक कोलिजन में आता है, ठीक है। अब देखो इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, एनर्जी इज लॉस्ट, ठीक है, किसके फॉर्म में होगा, हीट और साउंड के फॉर्म में होगा, इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड साउंड। इन इलास्टिक कोलिजन में आप लोगों का एनर्जी या आप जो है एनर्जी जो है लॉस होगा किसके फॉर्म में, हीट और साउंड के फॉर्म में जो होगा, ठीक है। ठीक है, अगर देखो इन इलास्टिक कोलिजन में एक केस देखता है, इन इलास्टिक कोलिजन टू बॉडी स्ट्राइक ईच अदर, एंड मूव एज वन बॉडी, अगर दो बॉडी एक दूसरे के स्ट्राइक करेगा इसके बाद जो है एक बॉडी होके ये मतलब मूव करेगा, ठीक है ना, दोनों अगर चिपक जाएंगे, अगर दो ऑब्जेक्ट है दोनों जो स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करने के बाद एक ही बॉडी बन के ये मूव करेगा, ठीक है, उस वक्त कोलिजन को आप लोग नाम दे सकता है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो आप लोग उस वक्त कोलिजन को नाम दे सकता है, द कोलिजन इज परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। इन इलास्टिक कोलिजन में अगर दो बॉडी स्ट्राइक करेगा और मूव करेगा एक बॉडी बन के, ठीक है ना, दोनों चिपक जाएंगे और एक बॉडी बन के मूव करेगा, तो उस वक्त जो एक कोलिजन होगा उस कोलिजन को आप लोग क्या कहेंगे, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन कहेंगे, ठीक है। अब हम यहां पर डिस्कस करते हैं इलास्टिक कोलिजन में हम दो टाइप्स डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इलास्टिक कोलिजन में सबसे पहले होगा आप लोगों का कोलिजन इन वन डायमेंशन, इसके बाद आप लोग डिस्कस करते हैं कोलिजन इन टू डायमेंशन, ठीक है, तो हम सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कोलिजन इन वन डायमेंशन, ठीक है। अगर दो ऑब्जेक्ट कोलाइड होगा और जो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो उस वक्त आप लोग क्या कहेंगे, इलास्टिक कोलिजन तो है लेकिन आप लोगों का उसको आप लोग क्या कहेंगे, वन डायमेंशन का,
ठीक है, अगर दो ऑब्जेक्ट इस तरह से होगा, दोनों को लाइट करेगा, अगर ऐसे पाथ में मूव करेगा तो स्ट्रेट लाइन में, उसको आप लोग क्या कहेंगे, कोलिजन इन वन डायमेंशन। ठीक है, अगर इस तरह से होगा मीन्स दो डायमेंशन में मूव करेगा, इसको आप लोग क्या कहेंगे, इलास्टिक कोलिजन है लेकिन टू डायमेंशन। ठीक है, तो हम बाकी जो है अगले वीडियो में हम डिस्कस